और देखिए बिहार की बात कर लेते हैं, बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है, सीएम नीतीश एनडीए से अलग हो सकते हैं। सुबह 11 बजे जेडीयू विधायकों और सांसदों की बैठक होगी, सुबह 11 बजे ही आरजेडी विधायकों की भी बैठक होने जा रही है। अमित शाह ने सीएम नीतीश से फोन पर बातचीत की है, हालांकि बीजेपी ये बार बार कह रही है कि कुछ भी ऐसा नहीं है, सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन वही जो हलचल है वो सियासत में साफ नजर आ रही है। सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों के साथ में बैठक कर रहे हैं, कल भी बैठक हुई थी, आज एक बार फिर से तमाम राजनीतिक दलों की बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली तलब किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को और रविशंकर प्रसाद को कि आखिर वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम इस वक्त मचा हुआ है, परिस्थितियां कैसी है एनडीए के लिए बीजेपी के लिए। बिहार में आज कुछ बड़ा होने वाला है, फिर लालू राज या रहेंगे नीतीश कुमार, बड़का खेला चालू, लौट रहे हैं लालू। फिर लालू से नीतीश मिलाएंगे हाथ। बिहार में 5 साल बाद फिर सावन के महीने में राजनीति करवट बदल रही है, 2017 जैसी हलचल है, नीतीश की चुप्पी भी पहले जैसी ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि उस समय नीतीश कुमार के साथ आरजेडी थी, इस बार बीजेपी है। सावन महीने में अगले 2 दिन बेहद अहम है, जेडीयू के नेता कह रहे हैं बिहार की सियासत में भूचाल आने ही वाला है। फिर बदल हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोगों को पार्टी के आला कमान ने ये आदेश किया है, आज रात तक 8 बजे रात तक आपको पटना में रहना है। अब कल बैठक में क्या होती है मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जरूर लगता है कुछ न कुछ भूचाल आएगा। 2017 में नीतीश आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन सावन महीने में नीतीश ने आरजेडी से पल्ला झाड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था और नई सरकार बनाई थी। अब इस सावन में भी ऐसी ही चर्चा है, खबर है कि नीतीश का बीजेपी से मोह भंग हो गया है और वो आरजेडी, वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलकर नई सियासी खिचड़ी पका रहे हैं। हालांकि कोई भी खुलकर कुछ नहीं बोल रहा है। साथी लोग आए हैं, हम सब का सम्मान कर रहे हैं, हम लोग की परंपरा है, संस्कृति और संस्कार है कि किसी का भी हम असम्मान करना सीखा ही नहीं। आप जितने हमारे सभी साथी आए हो, अनेकों बार हम लोग की आलोचना किए हो, वो आपका काम है, लेकिन यहाँ पर आने पर हम तो कोई सम्मान में कमी नहीं करते। बिहार में पल पल बदलती सियासी हवा के बीच विधायक दल की बैठकें बुलाने का दौर शुरू हो गया है। जेडीयू ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, तो आरजेडी के सभी विधायकों को भी पटना तलब कर लिया गया है। आगे क्या होगा, 2025 तक के हम रहेंगे और आगे क्या करेंगे, इस पर हम लोग क्या बोलेंगे। अभी हाल के दिनों में ही देखा है आपने ना, बीजेपी के राष्ट्रीय परिषद के बैठक में किस तरह से सवाल उठी, तो आगे क्या होगा इस पर हम लोग सवाल नहीं, मैंने कुछ कह नहीं सकते। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं और सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस है, उसके बाद हम बिहार में इस तरह के अस्थिरता के तत्व तो देख नहीं सकते, जाहिर तौर पर इसकी परिणति देखिए कैसे होती है। बिहार के सियासी हालात पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, पार्टी नेतृत्व ने अपने नेताओं को बयानबाजी न करने को कहा है, लेकिन नीतीश के मन में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश जरूर हो रही है। इसी के चलते खुद गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। उन्होंने देर रात सीएम नीतीश से फोन पर बात की, हालांकि दोनों के बीच क्या चर्चा हुई ये साफ नहीं हो सका, लिहाजा बीजेपी नेता बहुत नाप तौल कर ही बोल रहे हैं। अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 5 दिन 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। मुख्यमंत्री तय है तो बीजेपी का नहीं है, बीजेपी का क्या बोल रहे हैं, बीजेपी का उप मुख्यमंत्री है हमारे दो। अब निगेटिव पॉजिटिव तो आते रहता है, आज पॉजिटिव है कल निगेटिव हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें अब किसी को शक नहीं है। खबर है कि नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से भी फोन पर बात हुई है, चर्चा ये भी है कि नीतीश आरजेडी, वाम दल और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन सवाल वही है कि सीएम कौन होगा। तेजस्वी ने पिछले 4-5 महीनों से नीतीश पर सियासी हमले भले ही कम किए हों, लेकिन 2020 का चुनाव आरजेडी ने तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए ही लड़ा था। ऐसे में सवाल भी उलझा हुआ है कि बदले हालात में आरजेडी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए लालटेन थमाएगी या फिर अपनी लालटेन में नीतीश के समर्थन का तेल डालने की शर्त रखेगी।
ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान सामने आया है। एनडीए में पीएम है माननीय नरेंद्र मोदी, ये कहना है कुशवाहा का, लेकिन नीतीश कुमार पीएम बनने योग्य है। देखिए ये उपेंद्र कुशवाहा आज हमारी दावेदारी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पीएम बनने की हर योग्यता रखते हैं। सहयोगी चंदन हमारे साथ है। चंदन, चीफ मिनिस्टर पद तो ठीक है, लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम इस वक्त मचा हुआ है, उस बीच उपेंद्र कुशवाहा का यह बयान कि पीएम बनने की तमाम योग्यताएं रखते हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से बिहार में सियासी घटनाक्रम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में ट्वीट जो है वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस वक्त राबड़ी देवी के आवास के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर हलचल आप देख सकते हैं। तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, सांसद हैं, वो अब एक एक करके यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी भी अंदर पहुंचे और लगातार अब 11 बजे मीटिंग का वक्त बताया जा रहा है, जिसमें आरजेडी के तमाम जो सांसद विधायक और एमएलसी हैं वो इस बैठक में मौजूद होंगे। तो वहीं मैं कैमरामैन नरेंद्र से कहूंगा, उसके ठीक सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है और वहां पर भी 11 बजे के करीब ही एक बैठक जो है वो होनी है, जिसमें जेडीयू के तमाम सांसद विधायक जो हैं ये मौजूद रहेंगे। सबकी नजर इस बात पर है जिस तरीके से कल से बिहार में बीजेपी के नेताओं की तरफ से चुप्पी साधी गई। देर रात बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के घर जो मीटिंग हुई और उसके बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे नीतीश कुमार से मिलने जाते हैं और फिर अमित शाह से बातचीत की जो खबरें सामने आती है, इसके बाद बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि ऑल इज वेल, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से पटना में इस वक्त सियासी हलचल है, जिस तरीके से चंदन मौजूदा सियासी हलचल को देखकर क्या ये कहना ठीक होगा कि अभी तक जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे उसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट आज हो सकता है? अमनदीप, ये कहना थोड़ा जल्दी है, क्योंकि देखिए अगर गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई है तो कहीं ना कहीं ये कहना कि आज बिहार में कोई बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में वापस आएंगे, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। और शायद इसीलिए ही कल अमित शाह से बातचीत करने के बाद आज जब अपने तमाम विधायकों, सांसदों और एमएलसी के साथ नीतीश कुमार बैठक करेंगे और उनके ठीक सामने वाले आवास यानी राबड़ी देवी के घर पर जब तेज प्रताप यादव अपने तमाम सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ बैठक करेंगे तो पिक्चर कुछ साफ नजर आ सकती है। वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास हो या फिर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा हो, इन तमाम की भी बैठक जो है देर रात चली और कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा होगा हम उनके साथ खड़े हैं और इसीलिए इस बात को लेकर जोर जो है वो लगातार पटना के सियासी गलियारों में है कि शाम तक कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। खबर ये भी जरूर अमनदीप निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो बिहार सरकार के बीजेपी के कुछ मंत्रियों से नाखुश हैं और ये जो पूरा एक तरीके से सियासी एक पिक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पिक्चर से बीजेपी को यह मैसेज देने की कोशिश होगी कि आप मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि डे वन से जब से नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन वाली ये सरकार ने शपथ ली है, दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, विधानसभा अध्यक्ष बीजेपी के हैं, तो लगातार ये हमेशा जेडीयू की तरफ से हमने देखा है, सुनने को मिला है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में नीतीश कुमार है और खुलकर जिस तरीके से वो फैसले ले पाते थे वो नहीं ले सकते थे। एक अपडेट और ये है कि बिहार के जो राज्यपाल फग्गू चौहान है वो इस वक्त बिहार में नहीं है, वो दिल्ली कल गए हैं और वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कोरोना पॉजिटिव थे कल तक, लेकिन कल देर शाम उनकी कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई और उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर अपने कर्तव्य पथ पर लौटने को तैयार है। इन सबके बीच अब इंतजार है कि दोनों दलों की जब बैठक होगी, चिंतन का दौर दोनों तरफ चल रहा है, बिहार से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर बने रहेगा। चंदन हमारे साथ आगे भी बात करेंगे। इस बीच जेडीयू बीजेपी गठबंधन में दरार की खबरों पर मनोज झा ने अपनी बात रखी है, ना मंगल हो ना अमंगल होगा, आज मुहर्रम होगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनोज झा का बयान भी सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि ना मंगल होगा ना अमंगल होगा, आज तो मुहर्रम होगा। तो आज मुहर्रम है और कहीं ना कहीं इसी चीज से जोड़कर जब उनसे सवाल पूछा गया कि मंगलवार है, मंगल होने वाला है क्या जेडीयू का, ऐसे में मनोज झा ने अपनी ये बात रखी है। मनोज आज क्या होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, क्या होगा, मनोज कुछ भी पता नहीं, आज मुहर्रम है, आज मुहर्रम है,
मनोज आज क्या होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, क्या होगा मनोज? कुछ भी पता नहीं, आज मुहर्रम है, आज मुहर्रम है मनोज। आज क्या होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, क्या होगा मनोज? कुछ भी पता नहीं, आज मुहर्रम है, आज मुहर्रम है। अच्छा, सबको बताया आज मुहर्रम है। मनोज झा जो कि अब से कुछ देर पहले राबड़ी देवी की आवाज पर भी पहुंचे, चंदन वहीं पर मौजूद है। चंदन, दिक्कतें कहां से शुरू हुई? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष लल्लन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो चिराग मॉडल की बात करते हैं, आरसीपी सिंह का जिक्र करते हैं, चिराग मॉडल 2 का जिक्र करते हैं। परिस्थितियां क्या है, कैसी है, हर कोई जान रहा है। और जेडीयू कहीं ना कहीं अब अस्तित्व की बात कर रही है, 44 सीटों पर आ गई थी वो पिछले चुनावों में। बिल्कुल रोहित, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कल मैं जिस फ्लाइट से दिल्ली से पटना आया, उस फ्लाइट में जेडीयू के तमाम कुछ सांसद, एमएलसी और खुद मनोज झा और जीतन राम मांझी, ये सब लोग मौजूद थे। और उनसे बातचीत में ये एक चीज जो निकलकर सामने आ रही थी कि बिहार में कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टियों को इस बात को लेकर चिंता सता रही है कि बीजेपी जिस तरीके से खुद का एक्सपेंशन कर रही है तो उनके अस्तित्व पर भी खतरा है। वहीं दूसरी तरफ आरसीपी सिंह को निकालकर जेडीयू कह रही है कि हमने अपने पार्टी के एकनाथ शिंदे को समय रहते निकाल दिया है, वरना जिस तरीके से आरसीपी सिंह काम कर रहे थे उससे जेडीयू को आने वाले समय में काफी नुकसान होने वाला था। ये जेडीयू के ही कई नेताओं का कहना है। और अब खुलकर ललन सिंह भी जिस तरीके से आरसीपी सिंह को लेकर बातें बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी पिक्चर को और क्लियर करता है। इसके अलावा रोहित देखिए, जिस आपको मैं थोड़ा पीछे अगर ले जाऊं तो धर्मेंद्र प्रधान राष्ट्रपति चुनाव की सुगबुगाहट के बीच नीतीश कुमार से मिलने पटना पहुंचे थे और तब से ये कयास लग रहे थे कि शायद बिहार में जो गठबंधन है बीजेपी और जेडीयू का, इसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शपथ ग्रहण हुआ और उसमें नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, इन तमाम चीजों ने इस पूरी जो कयास लगाए जा रहे थे उनको और बल दे दिया। और उसके बाद जिस तरीके से आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाला गया और नोटिस जारी कर उनसे भ्रष्टाचार को लेकर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उन्होंने सवाल पूछे, इसने कहीं ना कहीं एकदम से जो सियासी क्लाइमैक्स है बिहार का उसको बदल दिया। और उसके बाद जिस तरीके से आरजेडी ने अपने तमाम सांसदों को, संसद का सत्र चल रहा है इस वक्त और मनोज झा इस वक्त राबड़ी देवी आवास के अंदर हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी मैसेजिंग है। तमाम जो एमएलसी हैं, विधायक हैं आरजेडी के, वो अंदर हैं। इसके अलावा जातिगत जनगणना को लेकर भी जिस तरीके से चाहे जेडीयू और आरजेडी दोनों एक पेज पर रही हो, या फिर जो प्रतिरोध मार्च 7 तारीख को पटना से निकाला गया था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, जिसका अनऑफिशियल तौर पर जेडीयू समर्थन कर रही थी, ये भी कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल जो है वो खड़ी कर रही थी। और इसीलिए अब बिल्कुल चंदन देखिए, अब बयानबाजी भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। कल हमने कई सारे विधायकों को सुना, कुछ का ये कहना था कि कुछ टर्निंग प्वाइंट हो सकता है और कुछ ये कह रहे थे कि जो भी नीतीश कुमार होंगे कहेंगे वो हम सभी को स्वीकार होगा। ऐसे में जो बयानबाजी अब निकलकर सामने आ रही है बिहार की राजनीति से, वो किस तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि बीजेपी तो बार बार कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। अमनदीप देखिए, कल शाम तक बीजेपी की तरफ से कोई भी नेता, कोई भी विधायक की तरफ से कोई बयान नहीं आया, एक चुप्पी साध रखी थी बीजेपी ने। देर शाम जो है एक बैठक हुई और ये बैठक जो है तार किशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके घर पर हुई, जहां विधायक संजीव चौरसिया, मंगल पांडे समेत बीजेपी के बिहार इकाई के कई आला नेता मौजूद थे। और उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई तब बीजेपी ने कहा ऑल इज वेल। वहीं दूसरी तरफ से लगातार अभी उपेंद्र कुशवाहा का जो ट्वीट भी हमने आपको दिखाया, उस ट्वीट में भी जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है कि जेडीयू कहीं ना कहीं हमेशा से, ये तो जग जाहिर है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनता हुआ देखना चाहती है। वो तो बीजेपी के साथ जिस तरीके से पिछली बार गठबंधन हुआ उसको लेकर एक बैकफुट पर आ गई उस समय जेडीयू, लेकिन ये गठबंधन टूटता है तो चंदन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद को लेकर भी पीच फंस सकता है। आप बने रहिएगा, आगे आपके पास में लौटेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच रुक कर लेते एक बड़ी खबर का। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया, आरजेडी को कहीं से कोई भी ऑफर नहीं मिल रहा है, ये कहना है जगदानंद का, हमने भी किसी को कोई ऑफर नहीं दिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बयानबाजी जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो नेता है वो बयानबाजी कर रहे हैं।
तो परिस्थितियां बिहार में क्या है आने वाले वक्त में जरूर साफ हो जाएगी। जेडीयू कह रही है कि हम खुलकर काम नहीं कर पा रहे, लेकिन क्या महागठबंधन में वापसी करने की राह इतनी आसान इतनी सुगम होगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया चंदन आपका, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जे हिंदुस्तान।